और अब आपको बताते हैं कि सिर्फ कुछ ही घंटों में गौतम अडानी की नेटवर्थ यानी शुद्ध संपत्ति 55,000 करोड़ रुपए से कम हो गई। गौतम अडानी की कंपनियों के लिए आज काला सोमवार था। इसकी वजह क्या है, वो कौन सी 3 कंपनियां हैं जिनके निवेश पर अब सेबी की नजर है, ये आपको पता होना चाहिए। इन खबरों और शेयरों में गिरावट के बीच अडानी ग्रुप ने सफाई दी है और कहा है कि विदेशी कंपनियों के निवेश को फ्रीज करने की बात गलत और पूरी तरह से, और निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 9.5 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले अडानी ग्रुप के शेयर्स में आज 1 लाख करोड़ तक की गिरावट आई, क्योंकि ये खबर आई कि शेयर डिपॉजिटरी NSDL ने ऐसे 3 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं जिन्होंने अपने फंड के 93% से 98% तक का हिस्सा अडानी ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट किया। Okay.